पेरेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बेबी के प्राइवेट पार्ट्स को लेके, बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट्स को लेके, कि उसकी क्लीनिंग कैसे करनी है, उसको ओपन कैसे करना है। कभी कभी क्या होता है कि वो क्लोज होता है तो उसको ओपन कैसे करना होता है, उसकी क्लीनिंग कैसे करनी होती है। तो ये एक एक हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली वीडियो आप लोगों को जल्दी से मिले, और लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो चलो दोस्तों, बिना वक्त गवाएं हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बेसिकली हम लोग इसमें ना दोस्तों दो पॉइंट को देखते हैं कि एक स्फिग्मा होता है और एक फाइमोसिस होता है। तो स्फिग्मा में क्या होता है कि बच्चे का जो टाइट फोर स्किन होता है, मतलब जो उसकी जो पेनिश होती है, जिसको हम लोग बोलचाल में सुसु भी बोलते हैं बच्चे का, तो उसमें जो होता है वो स्किन जो होता है ना, वो ऊपर नीचे मतलब बहुत प्रॉपर नहीं जाता, मतलब खुला रहता है उसका, लेकिन वो प्रॉपर पूरा नीचे नहीं जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जब हम लोग हाइजीन साफ़ सफाई को जब हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं बच्चे का, या फिर बहुत सी जो न्यूली मॉम होती हैं, न्यूली जो पेरेंट्स अभी जब नए पेरेंट्स बने होते हैं, उन लोगों को इन सारी बातों की जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे पेरेंट्स के बच्चों में अक्सर देखा गया है कि उन लोग कभी जो है पेनिस को टच नहीं करते हैं, और उन लोग कभी इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे ध्यान दें और कैसे उसको ओपन करें, तो उसको हम लोगों को क्लीन कैसे करना है, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कि आप लोग जब मालिश करते हैं उस वक्त आप लोग ऑयल से इस तरह से टिप टिप करके हल्के हाथों से इस तरह से उसको आप लोग खोल सकते हैं। ऐसे जब होता है ना तो उसको आप लोग हल्का हल्का ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक दिन में नहीं करना, ये आप लोग को लगातार करना है हर मालिश में। और उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोग जब हम लोग उसको नहलाते हैं, जब उसको नहलाते हैं तो उस वक्त हम लोग पतली पानी की धार इस तरह से डाल के उसको ओपन कर सकते हैं, और क्लीन भी उसी से हो जाएगा। बिल्कुल साफ प्लेन पानी, उसमें कुछ भी नहीं डालना आप लोगों को, साफ प्लेन पानी से आप लोगों को इस तरह से पतली धार डालनी है उसकी, उस जो टाइट फोर स्किन को थोड़ा सा नीचे करके और पानी डाल देना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे वो ओपन होने लगता है। और अभी दोपहर में मैं ऐसे धूप में बैठ के बना रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करना आप लोग। और दूसरे पॉइंट जो मैं बता रही थी फाइमोसिस का, वो पूरी तरह से ना उसको इस तरह से बंद होता है, क्योंकि जो नए मॉम डैड होते हैं, हम लोगों को जब बच्चे का जब अम्बिलिकल कॉर्ड गिर जाता है ना, उस टाइम से ही इस पर हम लोगों को काम करना होता है। जैसे ही बच्चे का अम्बिलिकल कॉर्ड गिर जाता है, जो गर्भनाल होती है वो जब गिर जाता है, उसके बाद जब हम लोग मालिश स्टार्ट करते हैं ना, तो तभी से हम लोगों को चाहिए कि उस चीज़ पर हल्का तेल, मतलब नारियल का तेल डाल के उसको ऊपर नीचे करो, या पानी डाल के उसको हमेशा उसको करना चाहिए। और जो माताएँ नहीं करती हैं, जो पेरेंट्स नहीं करते, उन पेरेंट्स का कभी कभी ऐसे वो पूरी तरह से बंद हो जाता है, तो वो फाइमोसिस के कैटेगरी में आ जाता है। ये दो कैटेगरी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया ना, कि स्फिग्मा और फाइमोसिस। तो स्फिग्मा में वो खुलता है, उसका मुंह खुला रहता है, लेकिन वो पूरा ऐसे आता नहीं है और क्लीनिंग नहीं हो पाती है। और फाइमोसिस में क्या होता है कि वो पूरी तरह से बंद हो जाता है, ठीक है। तो पूरी तरह से जब बंद हो जाता है, तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे में हम लोगों को बिल्कुल भी कुछ नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो पीडियाट्रिशियन होते हैं उनके पास जाना चाहिए, हमारे जो शिशु रोग विशेषज्ञ होते हैं वही हम लोगों को बताएंगे कि करना क्या होता है। और मैं आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें बस एक छोटी सी सर्जरी होती है दोस्तों, बहुत बड़ी नहीं है, और इसमें कोई डरने वाली घबराने वाली बात नहीं कि बच्चे को ऐसा हो गया तो लाइफ में आगे चल के पेरेंटिंग को लेकर दिक्कत होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटा सा सर्जरी होता है, जो स्किन पूरा बंद हो जाती है ना, तो उसको उन लोग ऐसे खींच के फिर उसको काट दिया जाता है, और उसके बाद फिर वो बाकी का स्किन है ना वो पीछे चला जाता है, और बच्चा जो है वो मज़े में यूरिन भी पास कर लेगा, उसकी क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है, फिर साफ़ सफाई भी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो उसके बाद फिर उसके कोई परेशानी नहीं आती। और ये जो ऑपरेशन है ना, ये जो सर्जरी है, इसके बस 5-7 दिन में 10 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 दिन में 10 दिन के अंदर में ये हील हो जाता है। तो इसलिए बहुत घबराने और डरने वाली बात है नहीं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।